मारन पर हमला रात 9 बजे हुआ था। आसपास के इलाके का सीसीटीवी फुटेज देखना होगा। कुछ तो हाथ जरूर लगेगा। जिस खूबी से कातिल भाग निकला, एक बात तो साफ है कि वो अकेला ऑपरेट नहीं कर रहा है। उसके साथ जरूर कोई है और उसे आसपास का इलाका अपनी हथेली से बेहतर मालूम है। ओह माय गॉड, ये रहा, यही तो हमें चकमा देकर भागा था। वही गुलाबी कमीज, वही टोपी, ये तो पुरानी मस्जिद वाला इलाका है। मस्जिद के गेट के सीसीटीवी कैमरे से कातिल की शक्ल जरूर दिख जाएगी। देखिए, मुझे मस्जिद के गेट पे जो सीसीटीवी कैमरा है उसका फुटेज चाहिए। इस बूढ़े आदमी का नाम नसरतुल्ला है, पुलिस रिकॉर्ड तो यही कहता है। लेकिन सर, यह बूढ़ा आखिर मारन को क्यों मारना चाहता है? क्या जज और इंस्पेक्टर के खून से भी इसका कुछ लेना देना है? मेरे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, मतलब मैं उसके गांव जाकर उसके नजदीकी लोगों से मिला और आखिर में जब मैं उसके घर गया तो मुझे उसके हाथों से लिखी एक डायरी मिली। डायरी में साफ लिखा हुआ था कि नसरतुल्ला मारन को जज श्रीनिवास को और इंस्पेक्टर रत्नाकर को अपनी पोती हीना का कातिल समझता था। याद है आपको, मारन हाल ही में मीटू के दौरान जेल गया था। उसको जेल भेजने वाली इस बूढ़े की पोती हीना ही थी। जज श्रीनिवास और रत्नाकर की मदद से मारन तो जेल से रिहा हो गया, लेकिन अगले दिन ही उसकी पोती हीना की मौत एक ट्रेन एक्सीडेंट के कारण हो गई और तभी से ये तीनों इसके रडार पर आ गए। इन लोगों को मारने से पहले उसने मैंगलोर में इलीगल तरीके से बंदूकें खरीदने की कोशिश की थी। नसरतुल्ला अवैध हथियार रखने के जुर्म में यहाँ बंद था। उसके जेल के एक साथी को फांसी की सजा सुनाई गई और उसे फांसी दी गई। दूसरा एक साथी था भूमिनाथन, पिछले हफ्ते ही जेल से बाहर निकला है। अब जैसे ही जज के मर्डर में इस्तेमाल हुई वो दूसरी गन की डिटेल्स हमें मिलेंगी, हम ये केस क्लोज कर सकते हैं। गुड जॉब कैलाश। जैसा मैंने पहले बताया था, इस टाइप की गन्स हम अब इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। गन ओनर्स की लिस्ट मिल सकती है मुझे? और क्या डिपार्टमेंट में ये गन किसी भी ऑफिसर ने यूज की है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक मिनट। 2009 की आईडिया ट्रेनिंग के बैच को शायद हमने ये गन्स उस बैच को ट्रेनिंग के भिजवाई थी। उस बैच के ऑफिसर्स की लिस्ट मिल सकती है मुझे? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको भेजने की। सर, भूमिनाथम जो नसरतुल्ला के साथ जेल में था उसका पता चल गया है। वो रायलपुरम की वर्कशॉप में काम करता है। साहब, नसरतुल्ला तो किसी से बात ही नहीं करता था, हर वक्त खामोश रहता था। जरा ठीक से सोचो, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। साहब, जेल में वो एसीपी रुद्रा मानिका वैल भी कुछ दिन था। एक दो बार नसरतुल्ला को उससे बात करते हुए देखा था मैंने। साहब, क्या कहा, रुद्रा मानिक वैल? हाँ साहब, आप ही के डिपार्टमेंट का है। बोलिए कैलाश सर। रुद्रा मानिकवेल ने मैंगलोर जेल में सजा काटी है? हाँ, काटी थी ना। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रुद्रा मानिकवेल ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती है और उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई। आईपीसी सेक्शन 287 के मुताबिक अदालत उसे 6 महीनों की सजा सुनाती है। ओए, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर, वो सिर्फ 3-4 दिन के लिए नसरतुल्ला के सेल में शिफ्ट हुआ था क्योंकि उसके सेल में कुछ इशू था। वैसे वो दोनों सेम दिन रिहा भी हो गए थे, लेकिन आप अभी क्यों पूछ रहे हैं? साहब, चुप रहो, फोन रखो। हेलो, रुद्रा मानिकवेल के हैंडल किए हुए केस की जानकारी मिली? सर, मैंगलोर में उन्होंने ड्यूटी के दौरान टोटल 7 केस हैंडल किए थे। 4 को तो वो जेल भेज पाए थे, लेकिन 3 को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। तीनों के कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं? सॉरी सर, तीनों की हाल में डेथ हो चुकी है। सर कैसे? सर, एक केस में आरोपी के भाई ने उसे मार डाला,
दूसरे केस में उसके दुश्मन ने उसे मार दिया और तीसरे ने खुदकुशी कर ली। इन तीनों में कोई कनेक्शन? ये तीनों लोग गन शूट में मारे गए हैं सर, और कोई कनेक्शन नहीं है। गन शूट में? यस सर। अच्छा एक काम करो, मुझे पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट मेल करो। हमें कोई बुलेट्स नहीं मिली। प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना गन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सर। रुद्रा मानिकावेल गन स्पेशलिस्ट है। ये तीनों लोग गन शूट में मारे गए हैं सर, और कोई कनेक्शन नहीं है। तुम नहीं समझोगे जब तक खुद पे नहीं बीतेगी। मैंने अभी आपको 2009 की आईडिया ट्रेनिंग बैच की लिस्ट भेजी है, आप ईमेल चेक कर सकते हैं। एक केस में आरोपी के भाई ने उसे मार डाला, दूसरा उसके दुश्मन के हाथों मारा गया। मानिकावेल अब से तिलक इस केस का इंचार्ज। माइकल कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो एक महफूज जगह है, मेरा गेस्ट हाउस, मेरी अंडरग्राउंड गुफा, वहां जाऊंगा मैं। आज अगर यमराज भी आ जाए तो मुझे टेंशन नहीं है। भाई वो पॉजिटिव ग्रुप वाली एक इनसे मिलती जुलती लाश चाहिए। बैंगलोर में मैंने आपके लिए सारा इंतजाम कर लिया है। बहन तुम वहां जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। थैंक यू भैया। क्या कर रही हो? बेस्ट ऑफ लक। बधाई हो रुद्रा मानिकावेल सर। क्या चालाकी से आपने सारे सबूत मिटा दिए। बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। मैं सांप के बिल से भी सबूत निकाल लेता हूँ सर। रिटायर होने से पहले आपको अरेस्ट कर लूंगा सर। बेस्ट ऑफ लक। लहरें गिनते रहो, मैं चकना लेकर आता हूं। यह सच है कि पुलिस निस्वार्थ सेवा करती है, पर किसकी? किसकी सेवा? डिपार्टमेंट की, नेताओं की, या पब्लिक की? इस सवाल का जवाब मुझे आखिरकार मिल गया। जो राह मुझे मेरा जमीर दिखाएगा मैं उसी राह पर चलूंगा, धर्म के रास्ते चलूंगा और आखिरी सांस तक मेरा फर्ज निभाऊंगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बहुत दूर जाना है मुझे।